नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान अली, आप सबका दोस्त, आप सबका हमदर्द, आप सबका मेंटोर, आप सबका प्यारा दुलारा और सबका न्यारा मीडिया क्राइम रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर इरफान अली। मैं हर रोज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूं। मैं तकरीबन 20 से 22 सालों से लोगों को एक्टिंग के मुतालिक बताने की कोशिश करता था, समझाने की कोशिश करता था। जब डिजिटल वर्ड आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों को डिजिटल के जरिए, डिजिटल के माध्यम के जरिए, डिजिटल के जरिए लोगों से बात करें और चीजों को समझाएं। हर वीडियो में अलग अलग चीजें बताऊंगा, हर सब्जेक्ट पे बात करूंगा, हर विषय पे बात करूंगा। मैंने अलग अलग विषय पे बात किया, एक्टिंग के प्रकार के बारे में बात किया, सारी चीजों पर बात किया। मैंने अभी हमारा जो क्लासेस चल रहे हैं वो क्लास है वॉइस एंड स्पीच, हाउ टू डेवलप योर वॉइस एंड स्पीच थ्रू योर रेजोनेटर, थ्रू योर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑल द ऑर्गन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओन वॉइस। व्हेन यू स्पीक समबडी टोल्ड अबाउट यू हु ही इज, तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। So when you require your voice, you have to prove yourself. तो पिछले वीडियो में हमने आपसे जो गुफ्तगू की वो उर्दू में की और हमने कहा था कि हम सिर्फ उर्दू में बात करेंगे। तो उर्दू में हम बात करेंगे, उर्दू में गुफ्तगू करेंगे। उर्दू बहुत ही जरूरी है आपको समाज में, मुआशरे में और फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में और परफॉर्मिंग आर्ट में आने के लिए। उर्दू जानने के लिए हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सरसाइज से, अलग अलग थॉट से, अलग अलग फिलोसफियों की किताबें पढ़कर, अलग अलग मुसन्निफ के मतलब बता के, अलग अलग नज्म, अलग अलग नस्ल और अलग अलग चीजों के बारे में हम बताएंगे कि आपकी जिंदगी अदाकारी की दुनिया में रोशन और तारना हो। मेरे अजीज दोस्त, मेरे अजीज लोग, जो आप लोग ये अदाकारी की दुनिया में आना चाहते हैं, हमने मिर्जा गालिब के मतलब बताएंगे, मीर तकी मीर के बारे में बताएंगे और उन्होंने क्यों किया ऐसा, उनकी जबान क्या थी, उनकी थॉट्स क्या थे, वो सारी चीजें। तो हम आज की क्लास में बताएंगे कि उर्दू क्यों जरूरी है और कहां से कैसे कौन सा वर्ड कैसे बोला जाएगा, जिसमें हम फेस के एक्सप्रेशन, फेस के भाव और उसके लिए तमाम एक्सरसाइज करेंगे। वो तमाम चीजों को जोड़ने के बाद अभी वो सारी चीजों को आप लोग सुने, आप लोग बैठे भाई बाद में समझा करो और इस चीजों को समझे। उर्दू बहुत ही जरूरी है और हर क्लास में मैं अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें बताऊंगा। उर्दू जो जैसे एक शेर है, पता नहीं, तो सारी चीजों को जरूरी है करना, आप मेहनत करें जरूरी है। कहते कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो या हो, तो वो पत्थर आपको उछालना है, तबीयत से सीखना है, समझना है। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे वीडियो से आपकी जिंदगी में कुछ फायदा हो रहा है, लोग कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही पुश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा दिल खुश होगा, आपका दिल खुश होगा, बच्चे सीखेंगे और जिंदगी रोशन और कामयाब होगा, दुनिया बदलेगी एक रोज। और हम इस तमाम बातों को लेकर के हम ये लास्ट में बोलना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं, एक मुल्क में, एक देश में एक साथ रहते हैं। तो मेरे दोस्त, इनका शेर है कि एक बगिया के फूल है हम सब, क्यों आपस में लड़ते हो, भाई को भाई तुम क्यों नहीं कहते हो, तुम हिंदू मैं मुस्लिम ऐसा मत कहो, हम सब है भारतवासी, भावना में मत बहो, जय हिंद जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को
normal breathe low. Hold. हाकिम-ए-अदालत का आपने फैसला सुना।
आपने अदालत का फैसला आपने सुना? हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा? एक ब्राह्मण के सामने जो जुल्म हुआ आपने देखा? हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुल्म हुआ हमारे चंद कारिंदों के वजह से ब्राह्मण पे जो जुल्म हुआ वो आपने सुना? आपने देखा? उस जुल्म का हम रास्ता तैयार करना चाहते हैं। आपने देखा? हम चाहते हैं कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। आपने देखा? उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी हो। दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से भारत की राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दी जाए। हम चाहते हैं दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को समझ पाए और एक दूसरे के भाई भाई हो पाए। क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को समझ पाए और भाई भाई बन पाए। इसे मुझे मेरा आदेश ना समझे। जिन्हें मेरे साथ आना है वो साथ आए और नहीं आना है तो छोड़ दें। इसे मेरा आदेश ना समझे। जिनको आना है वो हमारे साथ आए, नहीं तो हमारा साथ छोड़ दें। खुदा हाफिज। देखो इसमें क्या है, एक दो वर्ड आप लोगों ने कि दौलताबाद शिफ्ट किया जाए। उर्दू ये उस समय में अंग्रेजी कोई नहीं बोलता था, समझ रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, वो होता है, वो हमें सीखने की प्रक्रिया में। और दूसरी चीज, कारिंदा होगा खुदा हाफिज होगा, खुदा हाफिज नहीं, खुदा हाफिज, समझे? और वो सारी चीजों को आपको उर्दू में समझना है। कारिंदा क्या है, खुदा क्या है, नूर क्या है, जमीन क्या है, दोजक क्या है, जेर क्या है, तख्त क्या है, तमीज क्या है, तमीज क्या है, ताबीज क्या है, तावीज क्या है, समझ रहे? ये सारी चीजों को समझने में मगस क्या है, शहर क्या है, शहर क्या है, सालेह क्या है, सालेह क्या है। उर्दू के बहुत सारे लफ्ज जो हैं वो अलग अलग हैं, वो तमाम लफ्ज को आपको समझना होगा, सोचना होगा, इसके मुतालिक आपको काम करना होगा। आगे हम क्लास में दूसरी चीजों पे चर्चा करेंगे, दूसरी चीजों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र भाई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। रहा हूँ। सुना आपने मुनादी हुआ है? अच्छा जी, राजा साहब ने एक ब्राह्मण के साथ न्याय किया है। कौन सी बात है न्याय के बारे में? राजा साहब का कहना है हिंदुस्तान के तख्तो ताज के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने यह ऐलान किया है कि हिंदुस्तान के लोगों, अगर हिंदुस्तान में अमन चैन चाहते हो तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहो, और अगर कोई भी हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर किसी ने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा और दफन कर दिया जाएगा। समझी रहना बहन? अच्छा, ये मुल्क के लिए लिया गया है, ये सब काम करवाया गया है। अच्छा, बढ़िया कदम है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा।